एक नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप जैसा कि अभी देख सकते हैं, अभी सभी गाय अपना चारा खाने में व्यस्त हैं और बलू इधर देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इधर पार्वती, सीता और ये सीता का बछड़ा भी सभी खाने में लगे हुए हैं। हाँ सीता, खाओ खाओ, ठीक है खाओ। आज मैंने बाहर के भी कुछ वीडियो शूट किया था, वैसे बाहर अब खाने के लिए ज़्यादा घास तो नहीं है, वैसे बस घूमने के लिए मैं इनको छोड़ देता हूँ, कुछ देर घूम फिर के आती हैं यहाँ पे। और अब पहले बलू नहीं जाती थी, लेकिन अब बलू भी बाहर जाती है, पहले से थोड़ा कम डरती है और ज़्यादा भागी भी नहीं करती, और अब इसे बाहर जाना अच्छा भी लगता है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है बाहर जाने में। बट जब भी जैसे जैसे ये जाने लगेगी तो इसे भी थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, और ये थोड़ा अभी डरना जब बंद कर देगी तो ईजिली मतलब बाहर घूम सकती है। और इधर ये अपनी लक्ष्मी, लक्ष्मी पहले से एकदम ठीक है और अपनी डाइट भी टाइम टाइम पे लेती रहती है और एक ढंग से खा पी ले भी रही है। लेकिन अभी भी मैंने लक्ष्मी को बांधा नहीं है और ना ही कभी बांधूंगा, क्योंकि ये अपना शांति से एक जगह इधर अपना बैठती है और फिर कभी जब भी इसका विचार करता है बाहर आके बैठेगी, और इधर मैं पानी भर के रख देता हूँ तो ये अपने समय समय पर पानी भी पी लेती रहती है। हेलो बलू, खाओ खाओ, हाँ ठीक है ठीक है, खाओ। और इधर ये सोना भी खा रही है, और बघीरा भी इधर अभी खाने में ही व्यस्त है, बघीरा भी अब जाता है बाहर खाने के लिए। मैं ट्राई लिया था, बाकी अभी तीन गाय ही अब बस अंदर रहती हैं जब भी मैं सबको छोड़ता हूँ, ये दोनों अंदर की जो बछड़ी हैं और पार्वती। इसका तो मुझे पता है कि ये ज़्यादा भागेगी नहीं, इसको ना छोड़ने के पीछे रीज़न ये है कि ये प्रेग्नेंट गाय है और बाहर जाएगी, ज़्यादा कूदेगी, या फिर ये गाय जो है कोई भगाती इसको मारने के लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। और पीछे जो शांति है वो थोड़ा बदमाश है, वो बदमाशी करती है, वो डरती है, और डरने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव भी है उसका, तो वो दूसरे गायों के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग भी कर लेगी और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती है और दूसरे गायों को भी परेशान कर देती है। जब ऐसा होता है कि गाय निश्चिंत होकर अपना चारा खाती रहती है, या फिर कोई गाय खाली घूमती ही रहती है, अगर कोई दूसरी गाय उनसे बार बार फाइट करेगी या फिर उन्हें परेशान करेगी, तो अगर एक गाय वहाँ से हटती है तो बाकी सभी गाय भाग जाती है वहाँ से, और जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में गायों को चोट लगने की समस्या रहती है। पार्वती जब भी मैं छोड़ता हूँ बाहर तो हमेशा सीता के साथ चिपकी रहती है, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि कहाँ पे आ गई है, उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस होता है, तो उससे सीता को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि वो बार बार सीता के पीछे जाती है, सीता को ये सब पसंद नहीं। बाकी सबका यही हाल है, और लक्ष्मी भी थोड़ा इन सबों को जब ज़्यादा एक्स्ट्रा गायब हो जाती है वहाँ पे तो ये मार के सबको भगाने लगती है, फिर ये थोड़ी प्रॉब्लम में आ जाती है कि इतने लोग कहाँ से आ गए, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया इधर। और नहीं ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जब लक्ष्मी और सीता ये सब बाहर जाते हैं तो आराम से घूम लेते। आज बलू भी बाहर गई थी तो बिल्कुल ही शांति स्वभाव से थी, कोई ज़्यादा भागी नहीं, बहुत ज़्यादा उसमें कूद नहीं मचाई थी, और बिल्कुल ही ठीक ढंग से ये रही और फिर आगे भी आ गई। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर हैं, और जैसे जैसे ये जाएगी इसे इसका कॉन्फिडेंस ही आता रहेगा और ये डरना बंद कर देगी तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। अभी मैं गायों के लिए पीछे विंटर्स में धूप सेकने के लिए अपना एक बैग कार्ड तैयार करा रहा हूँ कि इसमें जाके गाय बैठ सकें, जहाँ उनको धूप अच्छी सी लग सके। दिन के समय में गाय धूप सेकेंगी तो अच्छा रहेगा। ये जितनी सारी गाय इनमें से मुझे ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम नहीं है, बस ये शांति की है, ये थोड़ा सा ज़्यादा फाइटिंग करती, बाकी दूसरी गायों के साथ अगर इसने फाइटिंग की तो दूसरी गाय भी इससे
ऑब्वियस सी बात है कि फाइट कर सकती हैं, और ये जितनी भी हैं ये उसमें से फाइटिंग के बिहेवियर में इनका ज़्यादा दिमाग नहीं रहता। हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरी गाय इनको परेशान कर दे, डिस्टर्ब कर दे, तो ये ज़्यादा थोड़ा सा फिर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती हैं, आपस में फाइटिंग होने लगती है। इसीलिए मैं इनको खोल के नहीं रखता ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं लक्ष्मी के साथ किसी को खोल दूँ तो लक्ष्मी फिर जो है वो कोई अगर लक्ष्मी को परेशान करे तो ये उसको भगाती रहती है। अगर ये दूसरे गायों के पास गए तो दूसरी गाय से दूसरे गायों की फ़ाइट हो सकती है। इनके सेफ्टी के लिए मैं इन सबको बांध के ही रखता हूँ। वैसे बांध के गायों को रखना इट इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो गुड फॉर द कैटल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गंदे गंदे बस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करते करते इन गायों की एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है और गाय वीक हो जाती हैं स्ट्रक्चरल वाइज, और अंदर से भी गाय की जो इम्यूनिटी होती है वो कहीं ना कहीं छड़ होती रहती है। अगर आप देसी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छी ब्रीड्स को रख रहे हैं, जो कि अपनी इंडियन ब्रीड्स की गाय हैं, जैसे साहिवाल है, गिर है, गंगा तीरी है, आर पार कर है, हरियाणा ब्रीड, इन सभी गायों को बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जैसे आप कभी कोई डॉग्स को लेके आते हैं जो कि हाई एफिशिएंसी ब्रीड डॉग है, जो है एक्टिव ब्रीड की डॉग्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट की ज़रूरत होती है। उनको सुबह और शाम में इनको मिला के 2.5-3 घंटे की प्लेइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सेम रूल फॉलो होता है गायों के साथ भी। आप गायों को भी ज़्यादा से ज़्यादा घुमाए फिरे, एटलीस्ट आप उनको ओपन ग्रेजिंग नहीं करा सकते तो गायों को घुमाना फिराना चाहिए। मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है 2-3 गायों को लेके, जो ये घूम नहीं पाती। 2-2.5 घंटे अगर 24 घंटे में से घूमती है गाय फ्री, बस घूमती हैं, स्टॉल फीट पे ही रहती हैं, तो गायों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी से गायों के अंदर जो एक नेचुरल इम्यूनिटी बिल्ड होती है वो स्टॉल फीट खाली करा के नहीं सकती। खड़े खड़े गाय, ये देसी गाय जो होती हैं फिर थोड़ी एग्रेसिव होने लगती हैं, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी होता है, इनको बहुत ज़्यादा कि न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ज़्यादा फीड की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सेल्फ फील्ड गाय होती हैं और थोड़े से ही चारे और थोड़े से ही वाटे में ये गाय बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ठीक ढंग से रख लेती हैं। अगर इन गायों को बहुत ज़्यादा रेगुलरली मैं मिनरल मिक्सचर देने लगूँ तो गायों का गोबर बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, गाय वाटा खाना छोड़ देगी, बहुत ज़्यादा चारा खाना छोड़ देगी, क्योंकि एक्सेस हो जाएगा। क्योंकि ये देसी गाय होती हैं, इनको ये फूड को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से च्यू करती हैं, फिर उसके बाद ये डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे ढंग से करती हैं, तो ये इनके बॉडी में अच्छे ढंग से न्यूट्रिशन मिक्स हो जाते हैं। ये गाय बहुत ज़्यादा हैवी अगर नहीं दिखती हैं, अगर नॉर्मल बॉडी में भी हैं, अगर थोड़ी थिन भी हैं, तो ये गाय मजबूत होती है कंपेरेटिवली जो भी अपनी विदेशी ब्रीड की जर्सी और फ्रीजियन गाय हैं या फिर कोई भी क्रॉस ब्रीड की गाय है। तभी अपना जो हर्ड है वो एक साहिवाल, इधर एक गिर की और साहिवाल की थोड़ी मिक्स, और उधर गिर की और गंगा तीरी की मिक्स, और ये इधर गिर और साहिवाल की मिक्स, और सेम एग्जैक्टली एक मेरे पास सबसे प्योर ब्रीड में गंगा तीरी की ये सीता है, और अभी प्योर साहिवाल में ये बलू है। तो धीरे धीरे करके अभी मैं इनको और प्योरिटी के तरफ ले जाऊंगा, और अपनी जितनी भी इंडियन ब्रीड्स की गाय हैं जो मैं अपने पास खुद अपने पास रखना चाहता हूं, उनको बढ़ाना चाहता हूं, उनकी जनसंख्या को, तो मेरी शुरुआत यहां से है। और ये भी अच्छा है कि मैंने कोई किसी भी तरह की क्रॉस ब्रीड विदेशी और अपनी देसी गायों से क्रॉस ब्रीड में जितनी भी हैं ये सब देसी गायों के क्रॉस ब्रीड हैं, क्योंकि इनके में मिक्सअप हो गया, क्योंकि ये सही सीमेन की उपलब्धता ना होने के कारण ही ऐसा हुआ है, बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे मैं आगे फिर इनकी ब्रीडिंग के लिए सुधार करता रहूँगा फिर ये आगे सुधरती रहेंगी। अब ये जैसे गिर की है अभी लक्ष्मी अपनाती है, पर इसको मैंने 6 सीमेन गिर का लगवाया है, और ये बलू भी अपनी 6 सीमेन ही साहिवाल की बादल बुल की बछड़ी है, ये अभी ऑलमोस्ट 10 मंथ्स की हो गई है।
और मेरे पास गंगा तीरी की ये सीता है, तो मेरे पास अभी गंगा तीरी का भी सीमन है। जब ये गाय हीट में आएगी मैं इसको सीमन लगवा दूँगा। और ये पार्वती हरियाणा और गिर की मिक्स है, क्योंकि जिनके पास थी ये हरियाणा, इसकी मदर साइड से ये हरियाणा की है, और इनके पास सीमन ना होने के कारण AI वर्कर ने गिर का सीमन लगा दिया और गाय कुछ ऐसी आई है। पार्वती का हम्प भी बहुत अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी ब्रीड चेंज हुई है। बाकी इतना ही है, अभी जो आगे जो होता है अपडेट मैं देता रहूँगा।